तुम्हीं से सच्चा जाते हैं, जिसे दिखाई पड़े फटाफट गोली मार, बिल्कुल मारेंगे, वरना साले तुम लोगों को चिंता नहीं छोड़ूंगा। चलिए महाराज, जेल से तो हम निकल आए हैं, लेकिन कुमार सिंह की सिपाही हमें ढूंढ निकालेंगे। आइए महाराज, और इस राज को छोड़कर निकलते हैं। आइए ये मुन्नी ललवा, अभी मुन्नी ललवा सुरंग में नहीं था कोई? अरे सुरंग में कौन नहीं रहा, लाग रहा मवाखी के छाता हमका मार काट गई। अरे साले दिमाग की ललवा, तुझे दिखाई पड़ा कोई? हमका तो सब बरैया बरैया दिखाई। अरे साले बरैया जाए फाड़ दो। हम महाराज की बात करता हूँ, ये साले यार रैया पर रैया की बात करते हैं। इससे पहले भी काल निकल जाए झूठ मारोगे यार। जैसी महाराज, आखिर हम भाग कर जाएंगे कहाँ? कहाँ भाग कर जाएंगे? एक न एक दिन कुमार सिंह की सिपाही हमें जरूर ढूंढ निकालेंगे। ठीक कहते हैं महाराज, तब तक हम लोग भागेंगे, एक न एक दिन तो उनसे मुकाबला करना ही होगा। तो महाराज, आखिर हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? महाराज, एक उपाय है जो हम तुम्हें बताते हैं। कैसे उपाय? जरूर बताऊंगा। तो महाराज, 16 बन कर जियो जिंदगी आज। तो महाराज, 16 बन कर जियो जिंदगी आज। ले लो अपना राज मसीहा नाम से जाने जाओ, और फिर लगाओ लाशों की अब अपने मन में। Oh,
मान सिंह को इस जहां से मुल्क पठाओ। जिंदगी जीना है तो बल्कि 16 बनकर जिंदगी जीना है। तेजस्वी महाराज बिल्कुल सत्य कहते हैं आप। अगर इसी तरह हम भागते रहे तो ना तो हम अपनी बीबी और ना ही अपने बच्चे से कभी मिल सकेंगे, उन्हें कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। वही तो महाराज, और अपना भूपन नगर राज उसको मान सिंह से कभी वापस नहीं पा सकेंगे। हाँ महाराज, आपसे भूल जाओ कि हम कभी महाराज थे, बल्कि आज से अपने आप को डाकू मसीहा नाम से प्रसिद्ध कर दो महाराज। तेजस्वी महाराज, आज के बाद ये भोला भला महाराज महिपाल सिंह नहीं बल्कि डाकू मसीहा के नाम से जाना जाएगा। एक दिन हम उस भूपन नगर पर आक्रमण कर अपना राज उस कुमार सिंह से वापस देंगे और अपने बी बच्चों की तलाश करेंगे। हाँ महाराज। और तेजस्वी सिंह, हम इसी वक्त अपना भेज धारण डाकू को बुलाते हैं। चलिए महाराज। अरे बोलने लगो, ये साले पीछे ही रहते हैं, मंत्री बनने के लिए आगे आते हैं। अरे मंत्री का ढोड़ा ढोड़ा था। एक काम कर, अब वो यहाँ से भाग निकले तो गए, निकल तो गए हैं वो, लेकिन अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, क्योंकि गुमान सिंह का कहर जिस पे ढाता है वो साला कभी मुड़ करके नहीं देखता है। अब उनकी बातें छोड़ो, अब वो यहाँ दोबारा आ जाए तो जो तुम्हें दिखाई पड़े तो फौरन गोली मार देना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब हम मंत्री तो बन ही गए ना। चल फटाफट ऐलान कर दे कि सुबह 10 बजे यहाँ के महाराज आई अब गुमान सिंह और ये भूपत नगर के जितने वासी हैं, वासियों यानी कि यहाँ के बाल बच्चे और यहाँ के इंसान, वो सुबह 10 बजे आकर के हम हमारे महाराज बनने का सब कुछ देखे और जो प्रसाद देंगे उसे खा करके खुश होकर के जाए। 5 तारीख से पहले कोई तनख्वाह मांगने के लिए नहीं आना चाहिए, नहीं तो मौत के घाट उतर जाएगा। ये फटाफट ऐलान करके आओ और फिर हम स्नान करते हैं, फिर सुबह 10 बजे हमारा रात तिलक होगा। ठीक ठीक, नहीं करके आना, नहीं साले हम तेरी खोपड़ी को ठीक कर देंगे। चलो तो करी, आहिए करी। ग्रामवासियों, कल सुबह 10 बजे मंत्री गुमान सिंह, बल्कि मंत्री गुमान सिंह नहीं, सुबह 10 बजे महाराज हो जाएंगे। कोई 5 तारीख से पहले तनख्वाह मांगने नहीं आना, और आईएम मुन्नीलाल मंत्री हो गए हैं। अब हम तब इतनी देर से मंत्री है, सुबेरे बनी है, कहा दी बेईमानी करो राजा कहलाओ, बेईमानी करो राजा कहलाओ, हमको प्यार हो गया, सुबह बताएंगे तुम्हारी ये कैसी, तुमका महाराज ना बनो, तुमका दिए मूस मार दवाई, तुम जी हो जाए चीटी। चलो भाई, अब तो एक महाराज बन जाएगा, भाई खौला दीना है पानी बेटा, जब नहीं है ना तो ससुर सुलूक जी हैं खुदे। चलो चल रहे, चलते चलते गाना याद आ गया, कौन गाना? अरे सज के गुजरिया, ओ सज के गुजरिया, ओ चली पिया के नगरिया, द्वारे पे बाजे सहनाइया, सज के गुजरिया। तीरे से आई कई ले
भजाई। तनी जोर से बोली सुना हो हम जोई, जोर से बोली सुना हो हम जोली। लेती जवानी अंगड़ाइया सजल गुजरिया, लाइट ऑपरेटर जहाँ का भी हो अपने जनरेटर के लिए डीजल रखा है, आकर के भैया ले जाएं। महाराज आखिर हमने अपना भेस काकू को बना लिया है, अब इस भेस पे हम अपने बीवी बच्चे की तलाश करेंगे और मौका मिलते ही हम भूपत नगर पर आक्रमण करके क्यों उस कमान सिंह से अपना राज जरूर छीनेंगे। जरूर महाराज, और हम लोग अगर आप अपने परिवार का तलाश करोगे तो एक ना एक दिन आपका परिवार आपको जरूर मिलेगा महाराज। विजय सिंह क्या बात है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं विजय सिंह? आखिर क्या कहना चाहते हैं महाराज? आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा सर, अगर तकदीर ने दिया जो मेरा सन, तो फिर कलियों में नजर इस मुल्क का लड़ी। रंग मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी, इस मुल्क का रंग मुल्क पर मेरी हुकूमत होगी। और काकू मसीहा के नाम से सारी जहां में शोहरत होगी। आज के बाद मसीहा के नाम से जाना चाहूंगा मैं। क्यों नहीं महाराज? ताकि मसीहा के नाम से सारी जहां में शोहरत होगी। आज इस बंदूक से खून की दावत होगी, है विजय सिंह? आज इस बंदूक से खून की दावत होगी और कुमार सिंह की इस जगह में न कोई जरूरत होगी। कुमार सिंह की इस जगह में न कोई मददगार हो पाओगे औदे भारी, और सूरज के छिपते ही कर दो चलने की तैयारी।
जय सिंह महाराज काफी तादाद में गोला करो तो आज हम गांव की ओर चलेंगे, अभी भी बच्चों की खोज करेंगे और मौका मिलते ही हम उस कुमार सिंह पर हमला बोलते हैं, दरवाज उससे वापस देते हैं। आओ विजय सिंह चलिए महाराज। अब ये लोग कर दिया चलने की तैयारी, अब होगी साले गुमान सिंह खड़ी खटिया तुम्हारी। अब इनके बेटा का मौत आए गए, कहे थे कि हमारा दहिना चूतर फरका तो समझो कोनो बड़वार में नहीं मरा। मैं जगह में है शहर घुमनिया है बड़ा, एक सहरे के एक बिटिया लापता कहीं कहाँ कहीं का लेके भाग गए, हम एक धीरे धीरे से ढूंढ भी मिलता हूँ नहीं। चलो कौनों क्या करेगा, यहाँ बड़वारे घर के मतलब ज्यादा ना बोलो, नहीं दादा बहन निकली तो हमका पिलबो करी। चलती चलती बड़ी ढेरों से प्यास लगी है, क्या ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा। हाँ सिंह बहुत जोरों से प्यास लगी है महाराज। आइए देखिए वो कोई झोपड़ी दिखाई दे रही, आइए हम लोग चलकर उस सामने एक मजार दिखाई पड़ती है, वही तो वहां पे पानी जरूरी पीने को मिलेगा। आइए अब उसी मजार पर चलकर अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए मोहम्मदी के शहर में, मोहम्मदी के शहर में हुआ के रो रहा है, मोहम्मदी के शहर में, मोहम्मदी के शहर में। Oh,
चले हर दर्द की दवा है मोहम्मदी के शहर पे, मोहम्मदी के शहर पे हर दर्द की दवा है मोहम्मदी के शहर पे, मोहम्मदी के शहर पे। पीड़ा चल रहा है मोहम्मदी के शहर में, मोहम्मदी के शहर में, मोहम्मदी के शहर में। आप लोग कौन है? बाबा जी आप घबराइए मत, हम आपको किसी प्रकार का हाल पहुंचाए नहीं आए हैं, बल्कि हम आपकी मजाल देकर अपनी प्यास बुझाने के लिए आए हैं। बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? बाबा जी क्या मजाल देख करके अपनी प्यास बुझाने के लिए आए हो बेटा? हाँ बाबा जी, बहुत जोरों से प्यास लगी है, ऐसा लगता है अगर पानी न मिला तो दम निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ये वो जगह है, यहाँ पर हर इंसान की ख्वाहिश अवश्य पूरी होती है, तो बेटा तेरी भी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी, तुझे यहाँ पर पानी जरूर मिलेगा। हाँ बाबा जी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बेटी देखो पानी लाओ, बेचारे प्यास से इनका दम निकला जा रहा है। बेटी क्या बात है बाबा जी? बेटा देखो ये आए हुए हैं, इनको प्यास लगी बेटा, इनको पानी पिला दो बेटा, ये बहुत परेशान नजर आती। बाबा जी ये लोग तो डाकू हैं, चोर हैं, इनको हमारी मजार पे आना गलत बात है बाबा जी। कोई बात नहीं बेटा, ये वो जगह है, यहाँ पर हर इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है, और ये बेचारे ख्वाहिश लेकर के आए हैं, इस जगह पर मेरी प्यास अवश्य बुझ जाएगी, इसलिए बेटा चिंता मत करो, इनको पानी पिलाओ बेटा। ठीक है बाबा जी, आइए मुसाफिर लो पानी, पानी पी लीजिए। बेबी जी, जी मुसाफिर बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। लीजिए लाइए। हमारी महारानी सुषमा देवी जी, क्या बात है मुसाफिर? क्या मैं आपसे जो पूछूं सत्य बताओगी मुझे? क्या पूछना चाहते हैं देवी जी? ज्ञान पहचान तस्वीर लगती तेरी, ज्ञान पहचान तस्वीर लगती तेरी, नाम
क्या है तुम्हारा बता दीजिए। आप कौन है, क्या नाम है आपका और आप रहने वाली कहाँ की है? अरे पानी पी कर के सीधे चले जाइए। क्या आप क्या कह रहे हैं मुसाफिर, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आपके पिताजी? हाँ, ये हमारे बाबा जी हैं।